आपने 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम दे दिया है और क्या आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज है? द राइट वे इंस्टीट्यूट लाया है बेहतरीन करियर ऑप्शन। इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड हेल्थ केयर एंड पैरामेडिकल, जिसमें डिप्लोमा और डिग्री जैसे कोर्सेज शामिल है। असिस्टेंट नर्सिंग, ANM, GNM, MLT, DMLT, OT टेक्नीशियन, BSc, MLT, BSc, OT, BSc रेडियोलॉजी, BSc फिजियोथेरेपी, 100% जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। तो आज ही हमारे करियर काउंसलर से बात करें और अपने करियर की शुरुआत कीजिए। भिवंडी NCP शरद पवार गुट को लगा बड़ा झटका। पार्टी के भिवंडी शहर उपाध्यक्ष जुबैर अंसारी अपने कई समर्थकों समेत जिजाऊ संगठन में शामिल हो गए हैं। बता दें कि इसी संगठन से नीलेश सामरे आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शंस में खड़े हुए हैं और शाहपुर में उनकी विजय निर्धार यात्रा में जुबैर अंसारी और उनके साथियों ने भी अपना समर्थन जताया। मनपा के आदेश के खिलाफ जाकर बिल्डिंग डिमोलिश करने की वजह से एक शख्स पर मामला दर्ज किया गया। बताया गया कि फोर्ट निजामपुरा नाशिक रोड पर शानदार टेक्सटाइल मार्केट है जो 4 मंजिला इमारत है और जर्जर होने की वजह से प्रशासन ने इसे खाली कर तोड़क कार्रवाई का ठेका दिया था, लेकिन आरोपी ने बिना परमिशन के खुद ही इस इमारत की तोड़क कार्रवाई शुरू की और जब मनपा ने इसे कार्रवाई रोकने का आदेश दिया तो आरोपी ने मनपा के आदेश को नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद शांतिनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया गया। भिवंडी के कामत घर परिसर में मौजूद एक साड़ी की दुकान से 3 महिलाओं ने साड़ियां चोरी की। खबरों के अनुसार आधे खुले शटर से तीनों महिलाएं दुकान में आई और फिर 5,000 रुपए कीमत की 10 साड़ियां चोरी कर फरार हो गए। भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ढामनकर नाका स्थित एक कंप्यूटर क्लासेस में घुसकर 2 लोगों ने गुंडागर्दी की। आरोपियों ने क्लासेस में घुसकर एडमिनिस्ट्रेटर के साथ मारपीट करते हुए उसे धमकाया और वहां मौजूद पैसे भी लूट लिए। भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। भिवंडी शांतिनगर पुलिस ने प्रतिबंधित गुटके और पान मसाले के गोदाम पर छापा मारा। इस छापेमारी में पुलिस ने टोटल 8,88,000 रुपए का माल जब्त किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैबीनगर से ताल्लुक रखने वाले आरोपी पर मुख्तलिफ धाराओं के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। भिवंडी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा पिछले 2 सालों के मुकाबले इस बार ज्यादा टैक्स वसूल किया गया है, जिससे मनपा की आमदनी में इजाफा हुआ है। इसी के साथ मनपा के मुख्तलिफ वर्कर्स को शहर में टैक्स वसूली और दुकानों की अपडेटेड परमिट वगैरह पर ध्यान देने और कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। भिवंडी में दहशत फैलाने वाले वायरल वीडियो को शेयर करने वाले शख्स पर केस दर्ज किया गया। बताया गया कि आरोपियों ने KGN चौक पर गैर कानूनी भीड़ जमा की और फिर उसका वीडियो बनाकर दहशत फैलाने वाले गाने और नारों के साथ वायरल कर दिया, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज किया। मुलुंद में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक गाड़ी से 47,00,000 रुपए बरामद किए। बताया गया कि पुलिस ने शक की बिना पर गाड़ी को रोका और फिर तलाशी ली, जिसमें उन्हें 47,00,000 रुपए कैश मिले। पुलिस ने इस मामले में रकम और गाड़ी जब्त की और ड्राइवर को गिरफ्तार किया। मामले की मजीद तहकीकात की जा रही है। कल्याण पुलिस ने 6 महीने के बच्चे को किडनैप कर बेचने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया गया कि आरोपियों ने मध्य प्रदेश से 6 महीने के एक बच्चे को किडनैप किया और उससे 29,00,000 रुपए में बेच दिया। कल्याण पुलिस ने CCTV की मदद से मशकूक आरोपी और उसके 5 साथियों को गिरफ्तार किया और मध्य प्रदेश पुलिस के हवाले करते हुए बच्चे को रेस्क्यू किया। भिवंडी के पूर्णा इलाके में ट्रक रिवर्स करते समय एक क्लीनर की मौत हो गई। बताया गया कि क्लीनर ड्राइवर को रिवर्स लेने का इशारा दे रहा था, लेकिन ड्राइवर की लापरवाही की वजह से 27 साल का क्लीनर ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है।